दिसंबर 21, 2020 यानी 21 दिसंबर से कानून अमेरिका में पास हुआ है, कोई भी बंदा जो अमेरिका में ड्रोन उड़ा रहा है और उसने अपने ड्रोन को FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जो है उनसे रजिस्टर अगर ना किया तो अब उसको पकड़ा जाएगा और उसको अच्छा खासा जुर्माना होगा एविएशन की खिलाफ वर्जी करने पे। कौन सा ड्रोन? वो ड्रोन जिसका वज़न 0.55 पाउंड से लेके 55 पाउंड तक है उसको रजिस्टर करना होगा, यानी कि आधे पाउंड से कम वजन, यानी छोटा सा टॉय है ना, सिर्फ उसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आधे पाउंड वज़न से ऊपर का कोई ड्रोन है तो वो अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो आपको मैं दोस्तों बताऊं, अभी रिसेंटली आज है 29 दिसंबर है 28 दिसंबर को एक बंदे को जुर्माना किया गया है यहाँ पे, और वो जुर्माना कितना किया गया है, 182,000 डॉलर $182,000 उस बंदे को जुर्माना किया गया है ड्रोन उड़ाने पे। और वो कैसे, उसको पहले एक दफ़ा वार्निंग दी गई कि ये ड्रोन ना उड़ाओ, पुलिस ने पकड़ा, वो वार्निंग सिस्टम में नोट कर लेना, उसने उसको इजी लिया, जैसे आप में से कुछ दोस्त जो है शफकत वान टीवी की वीडियोस को इजी लेते हैं। तो फिर उसने दोबारा पुलिस आई, उसने उनको पकड़ा और अभी ये 28 दिसंबर को कल ही उसको $182,000 का जुर्माना किया गया है। अब होगा क्या, वो पुलिस में अपने आप को रजिस्टर करेगा, वो अदालत में जाएगा, लेकिन फिर भी फाइन कितना है, कम होना है, वो कम होना है जाके तकरीबन चंद हज़ार, लेकिन उसको फिर भी जुर्माना $100,000 तक कन्फर्म उसको देना पड़ेगा। कितना जुर्माना, $100,000, किस बात पे, ड्रोन उड़ाने पे। क्यों ड्रोन उड़ाया भाई, उसका पाउंड हाफ पाउंड से लेके 55 पाउंड, हाफ पाउंड आधा पाउंड कितना होता है, इतना सा होता है, जैसे ही इससे ऊपर हुआ तो उसको जो है FAA से रजिस्टर करना पड़ेगा। आज बर्फबारी हो रही है लेकिन काम पे जाना है, जा रहे हैं काम पे, और मैं यकीन करूँ कि जब कभी पाकिस्तान में इस तरह से बारिश हुई, बर्फ़ हुई, फ़ोन करते थे और घर बैठ जाते थे, तो क्यों ना नेमतों का शुक्र अदा करें कि जब अल्लाह ताला ने वो दी हो, कितनी नेमतें थी। अभी देखें यहाँ पे तिलकना भी बना हुआ है सारा कुछ, लेकिन काम पे जाना है। तो ये मेरे ख्याल पहली वीडियो होगी जो मैं बर्फ़ में बना रहा हूँ आपके साथ, ये बतानी है मैंने ड्रोन के हवाले से। तो मैं बाकी ड्रोन का मैं अभी बताता हूँ गाड़ी में बैठ के, एक दो और जुर्माने का भी बताता हूँ। ये सीधी सीधी सी बात है, सच्ची सच्ची सी बात है, ये जुर्माने हैं जो लोगों को सीधा करते हैं, वरना कोई ऐसा मुल्क जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, हर कंट्री का बंदा आया हो, जिसे कहते हैं ना डाइवर्सिटी, और ये फ्री में वीज़ा देते हैं हर साल 55,000 के, यहाँ पे मज़ीद भी डाइवर्सिटी कायम हो, मज़ीद भी लोग आएँ उस मुल्क में, कानून अगर कायम हो तो किस वजह से होता है, जुर्माने की वजह से, ठोक बजा के जुर्माने। अब $182,000 सिर्फ इस वजह से जुर्माना हो कि बंदे ने अपने ड्रोन को FAA फेडरल एविएशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रजिस्टर नहीं किया, उससे जुर्माना देना पड़े, तो आप अंदाज़ा करें कितने जुर्माने होंगे। पाकिस्तान में देखें, आप ड्रोन लें जहां मर्जी उड़ाएं, कोई पूछने वाला नहीं, इवन आप कुछ लोग जो जो है किसी के घरों के ऊपर जाके उड़ा लिया, कोई कुछ नहीं कहे, यहां पे कंप्लेन करें, अच्छा खासा जुर्माना है, और जुर्माने ही बंदे को सीधे करते हैं। एक और मैं बताता हूँ कि बंदा यहाँ पे उसने जो है ना किसी माइनर जो 17 साल से कम उम्र लड़की है उससे कोई थोड़ी सी इस तरह बात बोल की, उसने कंप्लेंट गुन कर दी, मसला मुसला हो गया, यानी कि जो भी आप आजकल खबरें आती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो कितना जुर्माना देना पड़ा, $100,000 उसको बॉन्ड भरना पड़ा, बाकी उनको इसके अलावा $100,000 के अलावा वो कोई भी जॉब करने के काबिल नहीं है, कहीं पे जॉब करे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा सिर्फ इस बात पे, छोटी सी बात है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, $100,000 उसको जुर्माना भरना पड़ा और बाकी हमेशा के लिए वह जॉब भी वो करने के काबिल नहीं रहा। तो खुदा का शुक्र करना चाहिए जो जो नेमतें हैं, लेकिन रूल को फॉलो करना चाहिए। एक आदमी और भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पुलिस ने रोका पिछले दिनों, जो पुलिस ने रोका और पुलिस रोकने पे क्या पूछती है, कितना जुर्माना करती है, वो मैं इसलिए बताऊंगा कि मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी, एक बंदा वो ट्रैफिक वार्डन उसको रोका, तो वो बंदे ने पैसे वाला था ना, होते ही आकड़ होती है, उसने चला दी, तो ट्रैफिक वार्डन गाड़ी के ऊपर लटका हुआ उसके के, और गाड़ी उसने चला दी, और वीडियो बनी हुई है पाकिस्तान में, गालबन लाहौर का ये वाक़या है। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ क्योंकि ये बर्फ़ बन गई है।
बर्फ देखे। अब बर्फ में अगर हवा ना चले तो इतनी ज्यादा वैसे सर्दी नहीं लगती, लेकिन हवा चले तो फिर बहुत सर्दी होती है। कि ना बहुत तिलकना हुआ हवा है, लेकिन खैर जाते हैं आज, ऐसा ऐसा गाड़ी चलाएंगे अल्लाह के नाम पे। अच्छा यहाँ पे मैं वीडियो मुकम्मल कर लूँ। अब 182,000 डॉलर है, तो आप दोस्तों ने करना क्या है, अगर आप यूएसए से देख रहे हैं, यूएसए के अंदर देख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू फ्लाई अ ड्रोन, आपने FAA फेडरल एविएशन एजेंसी से रजिस्टर कर लेना है, और 21 दिसंबर 2020 के बाद ये कानून है, ताकि कोई बंदा अगर कहे कि यहाँ पे मुझे कानून का नहीं पता था, तो उसको नहीं माफ़ी मिलती, उसको वो जुर्माना भरना पड़ता है, अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ता है। तो कीमती यहाँ बड़ा मुश्किल होता है पैसे कमाना, स्पेशली जो घंटों की जॉब करते हैं, इवन ट्रक भी चला लें, कोई भी कर लें, इवन ऑफिस की जॉब कर लें, इवन डॉक्टरी की जॉब कर लें, मैं क्या यहाँ पे लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, इतना काम करते हैं जितना कहीं पे पाकिस्तान में करते हुए मौत पड़ती है। मैं ख़ुद गवर्नमेंट सर्विस पर रहा हूँ, अब मैं अगर बता भी दूँ तो मैंने कौन सा कोई जॉब कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई सुन ले। बात यह है कि सुबह जाते हैं 9 बजे, 10 बजे तक चाय पीने पे लगते हैं, फिर बात करने पे, फिर थोड़ा सा काम, सिर्फ पूरे 8 घंटे की ड्यूटी, फिर नमाज़ पढ़ने, फिर जाना। सीधी बात है, मैं ये नहीं कहता नमाज में पढ़िए, आधे घंटे की नमाज़ होती है, लेकिन 2 घंटे लोग लगाते हैं, और पूरे 9 घंटे की ड्यूटी में सिर्फ 2 घंटे काम होता है, या 1 घंटे का काम होता है, 9 घंटे ज़ाया करते हैं। यहाँ पे नहीं होता, आप किसी दफ्तर में भी चले जाएं, मैं यहाँ पे दफ्तर में जॉब की थोड़ी देर फ्री बैठा तो औरत बोलना शुरू हो गई, मैंने कहा क्या मुझे काम ही नहीं है तो क्या करूँ, तो वो कहती नो यू कैन गो एट होम। तो खुदा ताला की नेमतों का शुक्र करना चाहिए, और कदर नहीं हम करते तो कदर करनी चाहिए, कदर तब आती है जब आप थोड़ा सा खुद खपते हैं। मैंने यहाँ पे ना वो डंकिन डोनट की जॉब की ना शुरू में, जब 2-3 साल पहले, और मैंने ये डिलीवरी का काम किया, ग्रैपअप का काम किया, दूसरा डोर डैश काम किया, तो मुझे एहसास होता है, मैं जब पाकिस्तान में कहीं पर जाता हूँ, कोई डिलीवरी कहीं पर मंगाऊँ, तो मेरे पास अगर 1,000 रुपये है ना, तो मैं 900 की डिलीवरी मंगाऊँगा, मेरे जहन में होता है कि 50 या 100 डॉलर इसको देना है, कि ये जो बंदा 15-20 हज़ार पे काम कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग होती है जब आप खुद घंटों की जॉब पे फीलिंग पे काम करें। तो जो जो नियमते हैं उसका शुक्र अदा कीजिए। अगर यूएसए में है तो आपने FAA से रजिस्टर करवाना अपना ड्रोन, फिर उड़ाना है, वरना आप नहीं उड़ा सकते। मैं अपना ड्रोन दिखाता हूँ, लेकिन मैं उड़ा नहीं सकता अभी, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। गर्म भी करना पड़ा है, अब जो ना गाड़ी थोड़ी देर के बाद पानी बन जाएगी। ये देखें ये ड्रोन है, दिस इज अ ड्रोन, बट टू फ्लाई दिस ड्रोन आई नीड टू रजिस्टर विद FAA फेडरल एविएशन एजेंसी। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से इसको रजिस्टर करेंगे, अगर रजिस्टर हो गई तो फिर इसको उड़ा सकते हैं, वरना इसको नहीं उड़ा सकते, और ये कानून पास हो चुका है, लिहाजा अपना और अगर कोई दोस्त और कोई उड़ाना चाहता है यूएस के अंदर, तो आप जो है इसका ख्याल रखना है। यूएस के बाहर पाकिस्तान से देख रहे हैं मेरे दोस्त, कुछ इंडिया से देखते हैं मेरे, बांग्लादेश से दोस्त देखते हैं, इधर उधर से दोस्त देखते हैं, तो आप देख लें ये कानून ही है, और ठीक ठाक कानून है जो सीधा करते हैं। 182,000 डॉलर जुर्माना, दिमाग नहीं ख़राब हो गया, लेकिन होते हैं यहाँ पर जुर्माने, अब वो देगा बंदा जुर्माने। तो एक दो और भी वीडियो लेके आऊँगा अभी, रेंट की यहाँ पे बंदों को निकालते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, किधर सामान, और रेंट के अलावा क्या कहते हैं, पुलिस का सिस्टम, पुलिस जब रोकती है तो चलान कैसे करती है, मेरा जो पिछले दिनों का वाक्य है वो भी मैं इसी तरह से आपसे शेयर करूँगा, ताकि आगाही हो सके, थोड़ा सा समझ आ सके। और बाकी कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि यार वो बताएं कि पाकिस्तान से इधर कैसे आना है, इंडिया से इधर कैसे आना है, तो मैं ऐसा ऐसा वीज़ा की अभी जो मैंने खुद भी काफ़ी वीडियो शेयर की हैं, और मैं इंटरव्यू करूंगा लोगों के यहाँ पे जो लोगों को बुलाते हैं, और लेकिन मैं अपने चैनल पे बताना चाहूँगा लोगों को फ्री में, हर सर्विस जो है ना मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको फ्री में गाइडेंस दूँ, फ्री में समझा सकूँ, इवन अप्लाई करना भी समझा सकूँ। तो अभी तकरीबन मेरे दोस्त थोड़े से कम है, 4,000 तक मेरे दोस्त हैं सब्सक्राइबर, तो ये जैसे जैसे 10,000, 15,000, 20,000 होंगे, तो फिर मैं लोगों को भी, लोग भी यहाँ पे फिर कहते हैं कि ठीक है फिर हम आपके चैनल पे, इस चैनल पे आएंगे पर्टिकुलरली, जिसमें मैं लोगों को मशवरा देता हूँ, लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जो दोस्त बढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद बेहतर चीज़ें लाई जाएंगी, जहाँ से भी देख रहे हैं आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है आप पूरी करें, अगर कोई तकलीफ़ है तो उसको दूर करें। तो ज़्यादा जी शफकत वन टी वी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।